जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत आज हम लोग समघाती अवकल समीकरण यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। हम सबसे पहले आपको बता दें कि अवकल समीकरण समघाती कब होता है। अगर किसी अवकल समीकरण में अंश और हर दोनों के घात बराबर हो जाएं तो वह अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण होता है। और समघाती अवकल समीकरण को हल करने का एक तरीका होता है, तो चलिए वो तरीका क्या होता है हम आपको बताएं। और ये इम्पोर्टेंट है समघाती अवकल समीकरण, और इसके बाद आएगा रैखिक अवकल समीकरण। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह से समझना होगा। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले यहां पर देखा जाए, इंस्ट्रक्शन पढ़ा जाए बुक में कि इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है और इसमें से प्रत्येक को हल कीजिए। सबसे पहले तो आपको दिखाना है कि यह अवकल समीकरण समघाती है और अगर समघाती है तो इसको हल करना है। चलिए, ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखें, हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये डी एक्स को हम लेफ्ट मिला दिए हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ y का घात 2 है, तो कुल मिलाकर के अंश का घात 2 हो गया। अब यहाँ आ जाइए हर में, तो यहाँ x का घात 1 है और यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है, y का घात 1 है, तो गुणा में घात जुड़ जाते हैं, तो यहाँ कुल मिलाकर के घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, यानी कुल मिलाकर के हर का घात 2 हो गया। तो अगर अंश और हर दोनों के घात बराबर हो जाएं, तो यह अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिखाइए कि समघाती अवकल समीकरण है, तो लिखा जाएगा अंश एवं हर दोनों के घात समान, दोनों के घात समान तथा 2 है, अतः दिया गया अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण लिखा जाएगा। अतः दिया गया अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण है। तो इतना आपको दिखाने के लिए कह रहा है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब चलिए हम आपको बता दें कि अगर समघाती अवकल समीकरण है, याद रखे रहिए, और अगर यह डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में है, तो इसमें हम करते क्या है कि वाई को मान लेते हैं भी एक्स। यही सॉल्व करने का तरीका है, तरीका दिमाग में रखे रहिएगा। y को हम vx मान लेते हैं और फिर इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो
तो यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी यक्ष हो जाएगा, और यहाँ दो फलनों का गुणन है तो ये होगा प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन, यक्ष का अवकलन वन हो जाएगा और प्लस हो जाएगा दूसरा फलन, और फिर पहले का अवकलन हो जाएगा डी वी बाई डी यक्ष। याद रखे रहिएगा, कोई भी अवकल समीकरण अगर डी वाई बाई डी एक्स के रूप में होगा, एक डी एक्स अपान डी वाई के भी रूप में होता है, तो डी एक्स अपान डी वाई होगा तो उसके लिए दूसरे तरीके से हल करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको बताएंगे, लेकिन अभी ये डी वाई अपान डी एक्स के रूप में है, और जब डी वाई अपान डी एक्स के रूप में होगा तो उसको हल करने का तरीका यही होगा। आप देखिए, हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका वी प्लस यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू वी एक्स है तो वाई स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखें ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और y के जगह पे हो जाएगा भी x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू भी हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो v प्लस यक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, यक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लेते हैं, और यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर से कटा देते हैं, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ, वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन यहाँ बचेगा वन प्लस वी। अब जानते हैं क्या करेंगे, अब भी को हम राइट साइड में देखिए, अब डी भी अपान डी एक्स को अब हम लोगों को करना है एक तरफ, तो डी भी अपान डी एक्स को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम भी को डी भी के तरफ करेंगे और यक्स को डी एक्स के तरफ करेंगे, तो इसके लिए पहले तो भी का पश्चांतर करके ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यक्स डी भी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया वन प्लस भी स्क्वायर अपॉन वन प्लस भी, और ये राइट में जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा। अब चलिए ये सॉल्व करते हैं, यक्स डी भी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका वन प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस वी, और माइनस हो जाएगा वी स्क्वायर अपान हो गया वन प्लस वी। फिर क्या होगा, ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब ये मिलेगा आपका यक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका वन माइनस वी अपान हो जाएगा वन प्लस भी। अब हम भी को डी भी के तरफ करेंगे, यक्स को डी एक्स की तरफ करेंगे, तो चलिए डी भी ये लेफ्ट में है तो हम भी को लाएंगे तो ये मिल जाएगा आपका, देखिए यहां पर ये हो जाएगा वन प्लस भी अपान हो जाएगा वन माइनस भी, और फिर ये हो जाएगा आपका ये डी एक्स ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा वन अपान यक्स डी एक्स हो जाएगा। अब हम जो है इसको अलग कर लें, और अलग अलग करके देखिए डी वी यहाँ छुटा हुआ है तो ये है आपका डी वी। अब हम अलग अलग इसको कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो वन अपान वन माइनस वी डी वी और प्लस हो जाएगा ये आपका भी अपान वन माइनस भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, इस तरह से नहीं किया जा सकता, इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो देखें एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे करेंगे ना तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, नहीं सॉल्व हो पाएगा। एक काम करते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस से अंदर हम डिवाइड कर देंगे। देखिए हम माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस वन माइनस भी हो गया, और यहाँ नीचे आपका वन माइनस भी है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम वन जोड़ देते हैं और वन घटा देते हैं, तो देखिए यहाँ प्लस वन और माइनस वन कर दिए, और ये डी भी जैसे है वैसे रहेगा ही, और ये हो गया आपका वन अपॉन यक्स डी एक्स। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया आपका माइनस, और देखिए यहाँ
हम इसको इसको एक साथ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वन और माइनस वी को एक साथ लिख रहे हैं, वन माइनस वी हो गया और फिर माइनस वन और माइनस वन को एक साथ लिख रहे हैं, माइनस टू हो गया और नीचे है आपका वन माइनस वी, ये है डी वी इजकल टू वन अपॉन यक्स डी एक्स हो जाएगा। अब हम जो है ये वन माइनस वी से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो माइनस ये हो गया वन माइनस वी अपान वन माइनस वी और माइनस टू अपान हो जाएगा वन माइनस वी डी वी इजकल टू हो जाएगा वन अपान यक्स डी एक्स। अब हम जो है देखें इसको हम इरेज करते हैं, लेफ्ट से इरेज करते हैं और इरेज करके फिर इसको और हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा इसलिए इसको हम इरेज कर देते हैं और इरेज करके हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, देखें क्या मिलेगा अब हम लोगों को। तो अब जो है ये 1 माइनस वी से 1 माइनस वी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन यक्स डी एक्स। अब हम चाहें तो इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अंदर जो है इस माइनस का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर अगर माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखिए यहाँ ये 2 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 छुटा हुआ है, 2 अपॉन 1 माइनस वी हो जाएगा। तो अब यहाँ हम चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाले को हम पहले लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस वी और माइनस 1 हो जाएगा और ये है डी वी इजकल टू 1 अपॉन यक्स डी एक्स। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करेंगे तो देखिए 2 इधर ला दिए, 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी हो जाएगा और माइनस 1 डी वी और ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन यक्स डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस वी को हम मान लेते हैं टी और फिर इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और माइनस डी वी इजकल टू डी टी हो जाएगा। तो अगर माइनस से दोनों पक्षों में हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा माइनस डी टी, डी वी इजकल टू हो जाएगा माइनस डी टी। अब देखिए क्या है 2 इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस वी के जगह पे टी हो जाएगा और डी वी के जगह पे माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस डी टी और फिर माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान यक्स डी एक्स। तो अब जो है ये चलिए अब अवकलन लेते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं दोनों साइड का, तो माइनस हो गया 2 और 1 बाई टी का हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग टी और फिर माइनस हो जाएगा यहाँ 1 है तो 1 का भी हो जाएगा और इक्वल टू 1 अपॉन यक्स है तो 1 अपॉन एक्स का लॉग यक्स हो जाएगा। अब हम लोगों को कांस्टेंट जोड़ना होगा, एक बात समझिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर कांस्टेंट आप सी जोड़े तो लाग सी जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी जोड़ करके आप सॉल्व करेंगे तो वो भी सही होगा और लाग सी करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो भी सही होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो चलिए इधर राइट साइड में देखा जाए और राइट साइड में अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, हम लॉग के ही फॉर्म में जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट लॉग सी। अब हम इसको सॉल्व करें, देखें क्या मिलेगा, ये है माइनस 2 और लॉग टी की वैल्यू हम रख देते हैं, टी के जगह पे 1 माइनस वी होगा, ये हो गया आपका 1 माइनस वी और माइनस हो जाएगा भी। अब राइट साइड में अगर हम आवें तो राइट साइड में लाग यम प्लस लाग यन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा लाग यम यन, यानी ये हो जाएगा लाग सी एक्स। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अब हम जो है अगर
दोनों साइड में हम चाहते तो माइनस से गुणा भी कर सकते थे, लेकिन एक काम करते हैं, ये जो टू है इस टू को हम यहाँ ला देंगे। और ऐसा करते हैं, एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर हम माइनस टू को भी चाहते तो लेके चले जाते, आप जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और जो आएगा आपका सही सोल्यूशन होगा। इसके भी वहम में नहीं होंगे कि तो आंसर नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपका आएगा वो सही आएगा। तो अब देखें फिर क्या करते हैं, अब इस माइनस को भी हम यहां कर ही देते हैं, माइनस यहां कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए फिर हम चाहें तो भी की वैल्यू यहां रख दें, या अगर चलिए भी की वैल्यू पहले हम रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग, और देखिए भी की वैल्यू यहां से निकालेंगे वाई बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स वाई के ही फॉर्म में है, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो भी एक्स वाई के ही फॉर्म में होगा। ये काम और कर देते हैं, ये माइनस टू है इसको नीचे ला देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपान वन माइनस भी का स्क्वायर। और फिर देखें ये लॉग सी एक्स को हम लेफ्ट में ला देते हैं, तो माइनस हो जाएगा लॉग सी एक्स और इजकल टू माइनस भी को हम राइट में लेके चले जाते हैं, ये भी हो गया। अब देखिए लॉग यम माइनस लॉग यन हो जाएगा, लेकिन अभी वैल्यू हम नहीं रखेंगे, ये हो गया लॉग और फिर वन अपान वन माइनस भी की वैल्यू रख दीजिए, तो भी की जो वैल्यू होगी आपके वाई अपान यक्स होगी, तो ये हो जाएगा वाई अपान यक्स का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका लॉग सी एक्स और फिर भी की जो वैल्यू होगी वो वाई अपान यक्स होगी। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा लॉग वन अपान, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान x स्क्वायर होगा, सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया और फिर ये हो गया आपका log cx इक्वल टू वाई अपान x हो गया। अब देखिए अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं log m माइनस log n का, तो log m अपान n हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log x स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा सी एक्स, तो देखिए ये हो गया अपॉन सी एक्स, log m अपॉन n कर दिए और ये हो गया आपका ये जो है y अपॉन x हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, तो अब यहाँ जो है x से x कैंसिल हो गया और फिर इसको हम लिख सकते हैं log यक्स स्क्वायर अपॉन सी यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई अपॉन यक्स। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से लाग भी हटा सकते हैं, यहाँ से जो है लाग भी हटाया जा सकता है, ये एक्स कट चुका है तो यक्स बचा और सी, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखिए एक दो स्टेप और कर देते हैं, वैसे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, एक दो स्टेप और अगर हम कर दें तो देखिए वैल्यू क्या मिलती है। अगर हम लॉग यहां से हटा दें तो ये हो जाएगा आपका यक्स अपॉन सी यक्स माइनस वाई का स्क्वायर इजकल टू, ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर वाई अपॉन यक्स हो जाएगा। और अगर यक्स की वैल्यू निकाल दें तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो सी यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ई टू दी पावर वाई अपान यक्स हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, उसको हम कई रूपों में किए हैं, तो ये क्वेश्चन का आपको प्रारूप मिला। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर वन था ये क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व हुआ। क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, समझ में आ गया सबको ना? Yes. तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह से कोई भी समघाती अवकल समीकरण होगा तो समघाती अवकल समीकरण को सॉल्व करना होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू को, क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है, देखें ये दिया हुआ है वाई डैश इज इक्वल टू यक्स प्लस वाई अपॉन यक्स, तो y डैश का मतलब आप समझते हैं dy by dx,
ये है डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वाई अपान यक्स। जरा देखिए आप, यहाँ चेक करना है कि समघाती है कि नहीं है। तो समघाती अवकल समीकरण कब होगा? जब अंश का घात और हर का घात दोनों का घात आपस में बराबर होगा। तो यहां पर देखिए यक्स का पावर क्या है? वन है। वाई का पावर क्या है? वन है। तो कुल मिलाकर के अंश का जो पावर होगा वो वन हो जाएगा। हर का पावर क्या है? वन है। तो अब अंश का पावर और हर का पावर दोनों का पावर वन है, इसलिए यह अवकल समीकरण समघाती। आप यहाँ लास्ट में यहाँ लिख देंगे कि दिए गए अवकल समीकरण में अंश एवं हर दोनों के घात आपस में बराबर हैं और वह एक के बराबर है, अतः दिया गया अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद जब ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होगा तो फिर ये मेथड अप्लाई करेंगे, हम वाई के जगह पे वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे। चलिए रखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो v प्लस यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखें यक्स और y के जगह पे वी एक्स अपॉन यक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया v प्लस यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। जरा देखिए यहाँ ऊपर से यक्स कामन ले लें तो यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वन प्लस वी। फिर क्या होगा, वी से भी कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा आपका यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजक्ल टू वन हो जाएगा। तो अब हम डी एक्स को एक तरफ करेंगे, वी को एक तरफ करेंगे, तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन यक्स डी एक्स। अब हम यहाँ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ले लिए, यहाँ कुछ नहीं तो वन है, तो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा भी और वन अपॉन यक्स का हो जाएगा लॉग यक्स। अगर हम चाहें तो यहाँ कांस्टेंट सी भी जोड़ सकते हैं और चाहें तो लॉग सी भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम लॉग सी ही जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वाई की वैल्यू रख भी देंगे तो वाई सॉरी वी की वैल्यू रख भी देंगे तो वी की वैल्यू वाई बाई एक्स, देखिए यहाँ रख देते हैं वाई बाई एक्स इजक्ल टू लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग सी एक्स, या एक्स का अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हो जाएगा वाई इजकल टू यक्स लॉग सी एक्स। तो इस प्रकार आप यही छोड़ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर टू था, ये क्वेश्चन नंबर टू हम लोगों का सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन नंबर टू इजी था, केवल क्वेश्चन नंबर वन ही थोड़ा सा लेंदी था। समझ में आ गया ये आप लोगों को? चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। चलिए इसको इरेज करते हैं और देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर थ्री कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया हुआ है, देखें क्वेश्चन नंबर थ्री पर आपको दिया हुआ है यक्स माइनस वाई डी वाई माइनस यक्स प्लस वाई और ये डी एक्स इजकल टू जीरो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको सेपरेट कर देते हैं। ये एक्स माइनस वाई डी वाई इजकल टू यक्स प्लस वाई डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स ला दीजिए लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और जरा देखिए आप बताइए ये समघाती अवकल समीकरण है कि नहीं है। चलिए जवाब दीजिए, यहां पर यक्स का पावर क्या है? वन है। वाई का पावर वन है। तो कुल मिलाकर के ये जो अंश है यानी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का पावर क्या हो जाएगा? वन होगा। और फिर यहाँ हर अगर हम देखें डेनोमिनेटर देखें तो यहाँ भी यक्स का पावर वन है, वाई का पावर वन है, तो अंश का घात एक और हर का घात एक है। फिर यहाँ भी लिखेंगे कि दिए गए अवकल समीकरण में अंश और हर दोनों के घात आपस में बराबर हैं और वो वन के इक्वल है, अतः दिया गया समीकरण समघाती अवकल समीकरण है। और समघाती अवकल समीकरण है तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड पहले था वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर
डीवी अपॉन डीएक्स के जगह पे वी प्लस एक्स डीवी अपॉन डीएक्स इक्वल टू, यहाँ हम एक्स प्लस वाई के जगह पे कर देंगे वी एक्स और यहाँ एक्स माइनस वाई के जगह पे कर देंगे वी एक्स। फिर आगे देखते हैं, ये हो गया वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हम अंश में से एक्स कॉमन ले लें, हर में से एक कॉमन ले लें, ये वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी हो गया। अब हम इस वी को ले जाते हैं राइट साइड में, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, और माइनस हो जाएगा ये भी। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा वन प्लस वी, और यहाँ हम सॉल्व करें तो देखें यहाँ माइनस भी हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर, और नीचे हो गया आपका वन माइनस वी। क्या मिलेगा फिर, भी से भी कैंसिल हो गया। अब हम आते हैं एक स्टेप और यहाँ करते हैं, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर हम जो है वी को डी वी की तरफ करेंगे, एक्स को डी एक्स की तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स डी एक्स। इसको हम जो है सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू हो जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंगे, चलिए दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, और माइनस इंटीग्रेशन वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, और ये इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो देखें ये जो सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट वाला तो सीधे फार्मूले पे है, सेकंड पार्ट वाले को हम करें क्या कि वन प्लस वी स्क्वायर अगर हम टी मान लें तो फिर देखिए क्या मिलेगा, वन का तो अवकलन जीरो हो जाएगा और वी स्क्वायर का हो जाएगा टू वी डी वी इजकल टू डी टी। और अगर यहाँ से आप वी डी वी की वैल्यू निकालते हैं तो टू जो है राइट में चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका यहाँ वन अपॉन टू डी टी। चलिए अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस, देखें वी डी वी के जगह पे वन बाई टू डी टी हो जाएगा, तो ये हो गया वन बाई टू डी टी और वन अपॉन यहाँ हो जाएगा टी, और फिर ये इजक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स करते हैं। अब इसके बाद जो है फिर एक स्टेप हम आते हैं लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में आ करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी टेन इनवर्स का फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स भी, और माइनस हो गया वन बाई टू, वन अपॉन टी का लॉग टी हो जाएगा, ये हो गया आपका लॉग टी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग एक्स हो जाएगा, ये हो गया लॉग एक्स, और प्लस हम चाहें तो लॉग सी कांस्टेंट जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू पहले हम रखेंगे, तो ये है आपका टेन इनवर्स भी माइनस वन अपॉन टू, और ये हो गया लॉग, टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू वन प्लस भी स्क्वायर, और ये हो जाएगा लॉग, इसको हम एक जगह कर दे रहे हैं, तो एक जगह कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग सी एक्स। और फिर देखें ये वन बाई टू अगर हम इधर लेके जाएं तो, बल्कि हम जो है ये माइनस वन बाई टू को हम ले जा रहे हैं, तो ये पावर हो जाएगा वन बाई टू, पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, यहाँ से माइनस वन बाई टू को ले गए हैं, तो अब ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स भी, और प्लस ये हो जाएगा लॉग, देखिए वन अपॉन नीचे ला करके अंडर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग सी एक्स।
माइनस हो गया आपका लॉग सी एक्स, और ये माइनस नहीं बल्कि ये आपका, हाँ ठीक है, तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक ना, ये आपका जीरो हो जाएगा। या अब जो है अगर इसको हम चाहे तो राइट साइड में ले जा सकते थे, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स भी इक्वल टू, अगर राइट में ले जाएं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग सी एक्स माइनस हो जाएगा लॉग वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वी की वैल्यू रख देते हैं, वी की वैल्यू रख करके फिर हल करें, और या नहीं तो लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला अप्लाई कर दें, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स वी, चलिए टेन इनवर्स वी इजकल टू ये हो जाएगा लॉग सी एक्स अपॉन वन अपान हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वन प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये जो है वन प्लस वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इतना अपान होगा। तो अब हम यहाँ पर वी की वैल्यू रख देते हैं, चलिए अब थोड़ा सा राइट साइड में हम आ जाते हैं और यहाँ वी की वैल्यू रख दिया जाए और रख करके देखा जाए कि फिर आंसर हम लोगों का क्या मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वी की वैल्यू रख देते हैं वाई बाई एक्स, और ये हो जाएगा आपका लॉग सी एक्स अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, वी की वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इजक्ल टू लॉग सी एक्स, और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का आप जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यक्स हो जाएगा, यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इजक्ल टू लॉग सी, और अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यही छोड़ देंगे, आपका सोल्यूशन निकल चुका है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर थ्री था, ये क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व हुआ, क्लियर हुआ आप सबको? चलिए ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये तीनों क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।